the wavelength of the x-rays used is alpha nanometer find the value of tan alpha okay thing have x diffraction hoga a reflection on reflection of diffraction yeah reflection of diffraction yoga is a diffraction okay diffraction from the crystal occurs at an angle of 30 degree यहाँ पहला चीज होगा जिसमें क्वेश्चन में गिवेन अल्फा क्या हमारा अल्फा इज द वेव वेवलेंथ ऑफ एक्स टी यूज्ड यहाँ मुझे ब्रैक्स इक्वेशन पता है ब्रैक्स इक्वेशन क्या होता है ब्रैक्स ब्रैक्स इक्वेशन से यहां हम लिख सकते हैं क्वेश्चन हम क्लियरली लिख सकते हैं टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू टू डी थीटा N और यहां में गिवेन है डी की वैल्यू कितनी है नैनोमीटर और एंगल थीटा कितना गिवेन है इट इज इक्वल टू थर्टी डिग्री और एन की वैल्यू कितना होगा वन क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है ओके okay? जब इसे हम सॉल्व करेंगे टू इंटू तो डी की वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स इंटू साइन थर्टी इज इक्वल टू एन की वैल्यू वन इंटू लेमडा तो मेरे प्लेमडा की वैल्यू कितना आ जाएगी जीरो पॉइंट सिक्स नैनोमीटर ओके लेकिन यहां मुझे फाइंड क्या बोल रहा है टी एंड अल्फा फाइंड ये जो प्लेमडा है लेमडा को क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है अल्फा गया इज़ इज़ इक्वल इक्वल टू टू नैनोमीटर मुझे क्या फाइंड करना है टेन अल्फा टेन टेन अल्फा नैनोमीटर इज़ इक्वल टू का और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है से लेके, नीट जे ही, और के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो सकता आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर